नमस्कार, मैं संजना। मेरे चैनल घर की अंगेठी में आपका स्वागत है। आज मैं केले के कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं। ये मैंने 2 केले लिए हुए हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज है और 2 मीडियम साइज का टमाटर है। इसे मैं दोनों को कद्दूकस करूँगी। आप चाहे इसे पीस भी सकते हैं या बारीक काट भी सकते हैं। 1/2 कप बेसन लिया हुआ है मैंने, और ये मैंने कोफ्ते के लिए मसाला लिया हुआ है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून तीखी लाल मिर्च है और नमक इसमें स्वाद के अनुसार लेंगे। और बाकी ग्रेवी के लिए भी मसाला देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता है और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने केले को बॉयल कर लिया है। ये देखिए, मैंने एक कुकर में 2 सीटी 1/2 कप पानी डाल के 2 सीटी आने तक का बॉयल किया हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा बॉयल करेंगे तो केला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको बेसन बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ 2 सीटी आने तक का बॉयल करना है केले को। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और अब मैं केले के छिलके को उतार लेती हूँ। केला ठंडा हो गया है, इसका बॉयल होने से आराम से छिलका उतर जाता है। अभी जो सारे मसाले जो लिए हैं मैंने, ये सब मसाले डाल लेती हूँ इसमें। मैंने केले को मैश कर लिया है और सारे मसाले डाल दिए। जो मैंने कोफ्ते के लिए मसाला लिया था और 2 टीस्पून धनिया पत्ता डाला है, और इसमें हम बेसन इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ही डालेंगे। पहले मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ बेसन। अब इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, मैंने इसको केले को अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने 3 टेबल स्पून ही इसमें बेसन डाला है। मैंने 1/2 कप बेसन लिया था, लेकिन 3 टेबल स्पून ही बेसन लगा है। और अब इसके छोटे छोटे मैं बॉल बना लेती हूँ, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे हमें बॉल बना लेना है। ये देखिए, मैंने सारे बॉल बना के तैयार कर लिया है और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, हल्का गरम तेल चाहिए। हल्का गरम तेल में ही हम फ्राई करेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा तेल गरम होगा तो अंदर कोफ्ता कच्चा रह जाएगा। और एकदम स्लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। ये देखिए, कोफ्ते ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छे से ब्राउन हुआ है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। और अब मैं, ये तेल गरम हो गया है, इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए, प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1-2 मिनट भून के फिर मैं टमाटर डालूंगी इसमें। ये देखिए, प्याज और अदरक लहसुन ब्राउन हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँ सबसे पहले, और अब मैं सारे मसाले भी एक साथ ही डाल दूंगी। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और अब मसाले को हमें जब तक तेल नहीं छोड़ेगा तब तक भूनना है इसे।
ये देखिए मसाला मेरा तैयार हो गया है, इसमें सब तेल छोड़ चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने इसमें 400 ml पानी डाला हुआ है। अब इसे हमें 4-5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया ग्रेवी को पकते हुए, ग्रेवी अब तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये कोफ्ते डाल रही हूँ। कोफ्ते डाल के हमें पकाना नहीं है, जिस मिला के हमें गैस को बंद कर देना है। और इसमें अब हम ढक्कन लगा के इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हम इसको डाल के पकाएंगे तो ये सारे कोफ्ते जो है ये इसमें मैं ग्रेवी में घुल जाएंगे, क्योंकि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगा के ऐसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। 2-3 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए केले का कोफ्ता बनके तैयार हो गया है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने इसे सर्व कर लिया है। मैंने इसमें कोई खड़े मसाले नहीं डाले हैं। अगर आप खड़े मसालों के साथ बनाते हैं तो एक बार आप बिना खड़े मसालों के साथ बनाइए। बहुत अच्छी सब्जी बनती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।